महंगाई और बेरोजगारी जो बढ़ रही है, आप उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? उसके लिए तो ये कोरोना वोरोना की स्थिति जो हुई है, इससे जो है दिक्कत बन। तो इसमें किसके पक्ष में जा रहे हैं? अखिलेश भैया। क्यों अखिलेश भैया? अखिलेश भैया कुछ ऐसे काम किए हैं जो कभी भूला नहीं जा सकता। कहाँ से हैं अंगलिया? इलाहाबाद के। इलाहाबाद के। यहाँ का प्रशासन व्यवस्था कैसा लगा? ठीक लगा। 2024 में कौन आने वाले? मोदी आने वाले। क्यों मोदी आने वाले? उनका कार्य व्यवस्था अच्छा है। आपको कौन सा कार्य अच्छा लगा? इनका सड़क व्यवस्था बढ़िया लगा और कुछ प्रशासनिक व्यवस्था भी ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था भी अच्छा है। अच्छा अंगल जी, ये बताइए भारत जोड़ो यात्रा से आपको लगता है कि कांग्रेस को फायदा होगा? फायदा तो नहीं लगता। क्यों आपको ऐसा लगता है कि फायदा नहीं होगा? फायदा इसलिए नहीं लगता कि कांग्रेस पहले भी व्यवस्था रही है, जो बोल रहे हैं सब कुछ कर नहीं पाएंगे। सपा पे आप क्या विचार रखते हैं? सपा पे तो हम कौन राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं, है एक प्रदेश की पार्टी है, इसलिए इनसे कोई मतलब नहीं है। जी, महंगाई और बेरोजगारी जो बढ़ रही है, आप उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? उसके लिए तो ये कोरोना वोरोना की स्थिति जो हुई है, इससे जो है दिक्कत बन रही है। 2024 में आप किस मुद्दे से आप प्रधानमंत्री चुनेंगे? इनके शासन व्यवस्था, क्या कहते हैं, व्यवस्था कारण ही इनको हम देंगे। 2025 में महाकुंभ है, आपको क्या लगता है प्रशासन व्यवस्था दे पाएगी? हाँ दे पाएगी। दे पाएगी जी। 40 करोड़ जनसंख्या आने वाली है। क्या 40 करोड़ जनसंख्या आने वाली है 2025 में? हाँ व्यवस्था हो पाएगी, योगी जी सब कर लेंगे। कर लेंगे जी। अच्छा आपको लगता है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों पे ध्यान नहीं देती? नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? देती है, वो जिस प्रकार से हम लोग रह रहे हैं उससे वो भी रह रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। क्या नाम आप? ब्रजेश कुमार पाल। 2024 में किसके पक्ष में जा रहे हैं? अखिलेश भैया। क्यों अखिलेश भैया? अखिलेश भैया कुछ ऐसे काम किए हैं जो कभी भूला नहीं जा सकता। कौन से काम है? अब काम तो कैसे बताएं, ये तो बस बाबा जी तो बस मेला लगवाएं, उसके बाद बस युवाओं को इधर उधर कोरोना फैलवाएं, बस यही सब है। अच्छा। लेकिन जो अखिलेश भैया किए वो कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा। हाँ बेरोजगारी और महंगाई पे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम अखिलेश भैया को, मोदी जी को जिम्मेदार मानते हैं। ये बहुत ज़्यादा महंगाई इधर उधर बढ़ाते हैं। अखिलेश भैया से जो भी हो, युवाओं को कुछ ज़्यादा ध्यान देते थे। हाँ युवा ज़्यादा ध्यान देते थे। हाँ भाई रोजगार के क्षेत्र में आप क्या समझते हैं कि कौन दे सकता है आपको रोजगार? रोजगार हमें अखिलेश भैया ही दे सकते हैं। और हाँ, और कोई नहीं। बाबा जी आए हैं, कोई वैकेंसी जब से निकली है, अगर कोई चुनाव भी, अगर चुनाव कराने के बाद अगर 5 साल बाद उसका रिजल्ट दिया जाए तब कैसा लगेगा? रेलवे ग्रुप डे के पेपर आज कितने साल हुआ, बाबा जी दिए वोट करवाए, केंद्र सरकार की नौकरी है तो मोदी को भी समझना चाहिए। हाँ दिए उसका रिजल्ट, कुछ अभी भी हो गया, पेपर तो हुआ किसी हाल में, लेकिन उसका रिजल्ट कब आएगा? कहाँ से आए हैं आप? हम अंदावा से आए हैं, झोसी से। हाँ रूम लेकर रहते हैं? हम रूम लेकर रहते हैं, तैयारी करते हैं, रहने वाले जौनपुर के हैं। अच्छा जौनपुर के हैं। यहाँ हम लोग पूरा अल्लाहपुर में, इधर झोसी की तरफ है गंगा पार अल्लाहपुर, वहाँ बहुत सारे लड़के बसे हैं, सब यही विरोध करते हैं बाबा जी का, बस बाबा जी मेला लगवाएं ये करें बस, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं? नहीं। अच्छा कितना कितने दिन देगा भक्त, कितने दिन देगा खाने का? भगवान की पूजा करके कुछ मिलेगा? कितना मिलेगा सब जानते हैं भगवान है, बस उतना ही भगवान मानो जितना हो सके। कितना देगा भगवान खाने को बताओ आप? हाँ अच्छा एक चीज बताइए, कितना खर्चा पड़ जाता है आपका महीने का? हमारा महीने का खर्चा अगर भाई 3,000 रुपये रूम का है, प्लस 2,000 रुपये इधर, तो पूरा 5,000-6,000 रुपये पर्सनल पड़ जाता है रूम किधर उधर का। कितने सालों से आप रह रहे हैं? हम यहाँ 3 साल से रह रहे हैं। अब देख रहे हैं भाई, तैयारी कर रहे हैं, अब सरकार हो सकता है मिली जाए, आप कोई वैकेंसी आई है देखते हैं, मिल जाएगी तो ठीक है फिर। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद।